हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड थी आप लोगों की तरफ से। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे नीचे कमेंट करके बोला था कि इन दोनों स्नेक्स का जो है कंपैरिजन वीडियो बनाने के लिए। जैसे आप लोगों को पता ही होगा गाइस, दोनों ही स्नेक्स जो है रिमोट कंट्रोल से चल सकते हैं। ये हमारा अफ्रीकन रैटल स्नेक और ये हमारा इंडियन किंग कोबरा स्नेक। दोनों ही स्नेक्स जो है गाइस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इसकी फुल वीडियो आप अगर देखना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इसकी फुल अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग वीडियो भी देख सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन दोनों स्नेक्स का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे दोनों में से कौन सा स्नेक जो है सबसे फास्ट चल सकता है और दोनों में से कौन सा स्नेक जो है सबसे अच्छा है। तो चलो, सबसे पहले मैं हमारा रैटल स्नेक ओपन कर लेता हूँ फटाफट से। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो पर जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा देना और ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर से ऑन कर देना। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ, उसका आंसर फटाफट से नीचे जरूर कमेंट में दे देना गाइस। आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है स्कूल में, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है गाइस, इसीलिए मैं ज्यादातर साइंस एक्सपेरिमेंट्स की वीडियोस बनाता ही रहता हूँ मेरे चैनल पर, आपको पता ही होगा। तो चलो, ये हमारा रैटल स्नेक, बहुत ही डेंजरस स्नेक है गाइस। ये यहाँ से आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पर इसके आईज है, यहाँ पे इसका IR सेंसर लगा हुआ है। नीचे की तरफ यहाँ पर इसको दो व्हील्स दिए गए हैं, पूरी तरीके से रबर के व्हील्स हैं। जब ये स्नेक नीचे चलता है तो पूरी तरीके से रियल स्नेक जैसा ही दिखाई देता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ से स्नेक को चार्ज भी कर सकते हो। इसे चार्ज करने के लिए तकरीबन 1 आवर का टाइम लगता है। तो चलो, इसको मैं रख देता हूँ साइड में। और ये है इसके अंडे का शेप वाला रिमोट, इस रिमोट से स्नेक को आप पूरी तरीके से ऑपरेट कर सकते हो। तो फिलहाल इसे भी रख देता हूँ मैं साइड में। यहाँ पर इसका चार्जर भी दिया हुआ है। तो चलो, अभी फटाफट से हमारा किंग कोबरा को भी निकाल लेता हूँ मैं। दोस्तों, दोनों ही स्नेक्स का बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से जाकर दोनों ही स्नेक्स को खरीद भी सकते हो। तो भाई, ये रहा हमारा इंडियन किंग कोबरा। देखने में ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक नज़र आता है और देखने में बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक स्नेक जैसा ही दिखाई देता है। ये भी पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल हमारे रैटल स्नेक को जिस तरह के व्हील्स है इसको भी बिल्कुल उसी तरह के व्हील्स यहाँ पे दिए हुए हैं। पर इसके अंदर एक चीज़ अच्छी है गाइस, यहाँ पर आप सामने की ओर देख सकते हो, पूरी तरीके से रियलिस्टिक स्नेक जैसा ही बनाया गया है। तो यहाँ पर इसकी टंग वगैरह है, आइस वगैरह काफ़ी अच्छी डिटेलिंग में बनाया गया है ये स्नेक। यहाँ से आप इसे ऑन कर सकते हो, यहाँ से आप इसे चार्ज भी कर सकते हो। इसको भी चार्ज करने में तकरीबन 1 आवर का टाइम लग जाता है। तो इसे भी रख देता हूँ मैं साइड में। और ये रहा इसका एग, यानी कि इसका रिमोट। बिल्कुल सेम रैटल स्नेक जैसा ही रिमोट है, पर इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। और यहाँ पे है इसका चार्जर स्नेक को चार्ज करने के लिए। तो गाइस, फिलहाल हम इन दोनों का साइज कंपेयर कर लेते हैं। अगर साइज की बात करूँ गाइस, तो हमारा किंग कोबरा जो है इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा नज़र आता है। और नीचे की तरफ दोनों को ही यहाँ पे देख रहे हो, बहुत सारे व्हील्स दिए हुए हैं। इसको भी यहाँ पे बहुत सारे व्हील्स दिए हुए हैं। अगर रिमोट की बात करूँ मैं गाइस, रिमोट जो है बिल्कुल सेम टू सेम नज़र आता है, बस यहाँ पर कलर का फर्क दिया गया है। तो चलो दोस्तों, अभी बाहर जाकर दोनों की स्पीड वगैरह भी चेक कर लेते हैं फटाफट से।
तो माय डियर दोस्तों, इन दोनों ही स्नेक्स को जो है मैंने पूरी तरीके से कंपेयर करके आपको दिखा दिया है। तो रियलिस्टिक के मामले में ये जो हमारा किंग कोबरा है काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आता है। आप चाहे तो गाइस किसी को डराने के लिए भी ये स्नेक यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा खासा प्रैंक कर सकते हैं हम लोगों के साथ इस किंग कोबरा को लेकर। इसकी स्पीड भी जो है मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। और एक चीज़ गाइस, ये जो किंग कोबरा है जब हम इसे लेफ्ट को टर्न करते हैं तो ये सही से टर्न नहीं होता है, राइट को काफ़ी अच्छे तरीके से टर्न हो जाता है। स्पीड भी इसकी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। और गाइस जहाँ तक बात करूँ मैं इस रैटल स्नेक की, रैटल स्नेक जो है इसके कंपैरिजन में बहुत ही छोटा सा है और इसका लुक भी जो है उतना खास नज़र नहीं आता है, क्योंकि इसके आईज भी देख रहे हो यहाँ पर कहीं दिए गए हैं, एकदम रियलिस्टिक बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। पर चलने के मामले में एकदम रियलिस्टिक नज़र आता है, इससे भी ज़्यादा रियलिस्टिक ये नज़र आता है चलने के मामले में, क्योंकि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इसकी स्पीड भी जो है थोड़ी सी कम लगी मेरे को, और इसका रिमोट भी जो है काफ़ी परफेक्ट तरीके से काम कर लेता है। दोस्तों आपको इन दोनों स्नेक्स में से कौन सा स्नेक अच्छा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। दोस्तों दोनों का ही बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप चाहे तो दोनों स्नेक्स को परचेस कर सकते हो। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ शॉट आउट। दोस्तों आज मैं देने वाला हूँ 10 लोगों को शॉट आउट। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है आदर्श, आयशा, आयुष्मान, कनिष्क त्यागी, यथार्थ पाटिल, कार्तिक, देवांशी शर्मा, गीतेश दास, इमादुद्दीन, ओम लेखावले। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शॉट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी यहाँ पे अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर होती है एंड, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार आरसी टॉयज के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।